हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQOO Z8X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हैंग करता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा इस तरीके का। इस पेज में आपको रिस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा और इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है। हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप्स का डेटा क्लियर करना है। कैसे, देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन के किसी भी ऐप को अगर आप उंगली से दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इस छोटे से पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, इसे आपको टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे आपको टैप करना है। तो आपका ये वाला ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पर टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले इसे क्लियर कैच पर टैप करना है, इसके बाद क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है। तो आपका एक पेज आता है डिलीट ऐप डेटा का, इसमें आपको डिलीट पे टैप कर देना है। तो आपका ये जो डेटा और ये जो कैच है, इन दोनों के सामने वाला डेटा ये आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि देखिए, आपके मोबाइल फोन का अगर सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम अगर अपडेट नहीं है तो उसे आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको करना यह है कि आपको देखिए अपने मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स आपके अपडेट नहीं है तो उन सभी ऐप्स को भी आपको अपडेट करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए, इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में आपको सबसे ऊपर राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको ये मैनेज ऐप पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपडेट अवेलेबल के नीचे आपको सी डिटेल का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप आपके दिखाई देंगे जो ऐप आपके अपडेट नहीं है, तो इन सभी ऐप्स को आपको अपडेट कर लेना है इस अपडेट ऑल के बटन पर टैप करके, ठीक है। तो इससे आपके मोबाइल फोन की जो हैंगिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि देखिए, आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको बंद करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का कोई भी ऐप उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, इसे आपको टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना है इसे टैप करना है। आपका ये वाला पेज ओपन होगा, में आपको सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपका ये सबसे ऊपर वाला ये नोटिफिकेशन का बटन अगर आपका चालू है इस तरीके से, तो आपको इसे इस तरीके से बंद कर देना है। इस तरीके से आप मोबाइल फोन के सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर देंगे, तो इससे आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहां पर दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ उन ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको बंद नहीं करने हैं जिन ऐप्स के नोटिफिकेशन की आपको जरूरत है, बाकी सबके बंद कर देना है, ठीक है ना। और दोस्तों, यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।